ये है रेगुलर कॉटन पिलो, जिसपे कुछ दिनों तक सोने के बाद अब पता नहीं चलता कि तकिए पे सोया हूँ या ईंट पे। अगर आप लोगों के तकियों का भी यही हाल है तो मैं आपको बताता हूँ फ्रीडो के अल्टीमेट डीप स्लीप पिलो के बारे में। ये पिलो कोई ऑर्डिनरी पिलो नहीं है, ये है सुपर कंफर्टेबल, सुपर सॉफ्ट एंड सुपर सपोर्टिव पिलो, जिसे इस्तेमाल करने के बाद मेरी स्लीप क्वालिटी तो बहुत इम्प्रूव हो गई। सो लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फ्रीडो अल्टीमेट डीप स्लीप पिलो तीन अलग अलग साइजेस में आता है। सो 2 इंचेस, 4 इंचेस और 5 इंचेस की हाइट दी गई है। जैसे साइड स्लीपर्स एंड बैक स्लीपर्स के लिए 4 इंचेस एंड 5 इंचेस की हाइट मिलती है, और अगर आपकी आदत है स्टोमेक स्लीपिंग की तो फिर 2 इंचेस की हाइट प्रीफर्ड है। डिजाइन वाइज ये बहुत ही मिनिमल है, तो आपके किसी भी बेड स्टाइल पे ये सूट करेगा। ये सॉफ्ट बैम्बू कवर के साथ में आता है जो इजिली वॉशेबल है, और इसकी क्वालिटी एंड टेक्सचर्स जो दिए गए हैं वो बहुत ही प्रीमियम फील होती है। वैसे बाहर के कवर के अलावा अंदर का पिलो भी इनर कवर से प्रोटेक्टेड है, और जो पिलो का मटेरियल है वो भी बहुत खास है। बताता हूँ कैसे। सबसे पहले ये पिलो बना है 100% जेल इन्फ्यूज मेमोरी फोम से, जो कि काफी ज्यादा सॉफ्ट तो है लेकिन साथ ही साथ बहुत सपोर्टिव भी है, जिसकी वजह से जो हेड को कंफर्ट मिलती है वो एकदम परफेक्ट है। दूसरी चीज, ये पेन रिलीफ के लिए डिजाइन किया गया है, तो अगर आपको नेक पेन या शोल्डर पेन होता है रेगुलर कॉटन पिलो यूज करने से, तो आप इस पिलो का यूज करके अपने डेली स्लीपिंग में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। एंड फाइनली, इसमें पैसिव एयर फ्लो के लिए काफी सारे एयर वेंटिलेशन दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये हीट नहीं होता और आप ले पाते हो काफी बेहतर एंड कूल स्लीपिंग एक्सपीरियंस। सो मैं ये पिलो पिछले कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ, एंड अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरी स्लीप क्वालिटी तो सच में बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हुई है, और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये जो पिलोज है बहुत ही ज्यादा ब्रीदेबल फील होती है। मेरे जो पुराने ऑर्डिनरी पिलोज है उनमें प्रॉब्लम ये थी कि वो कुछ लिमिट तक ही सॉफ्ट होते थे, इसलिए कुछ देर तक सोने के बाद वो हार्ड फील होने लगता था। तो ये फ्रीडो के अल्टीमेट डीप स्लीप पिलो यूज करने के बाद ऐसा लगा मानो मेरी कंफर्टेबिलिटी 10 गुना बढ़ गई हो। वैसे एक बात बता दूं गाइस, ये जो मेमोरी फोम दिया गया इस पिलो में वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है, बिकॉज ये बिल्कुल भी सैक नहीं करता, विच मींस कि मैं इस पे बहुत देर तक लेटूं या फिर इसे मैं जोर से दबाऊं, इसे मोड़ दूं, फिर भी ये थोड़ी ही देर के बाद अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, विच इज रियली रियली गुड। सो ड्यूरेबिलिटी के मामले में भी ये बहुत झकास होने वाला है। और हाँ गाइज, ये जो बैम्बू कवर दिया गया है ये इतना सॉफ्ट है कि स्किन को भी मतलब बहुत ही अच्छा फील होता है इस पे लेट करके। मतलब एक बात तो है यार, जो मैं ऑर्डिनरी पिलोज यूज करते आऊँ ना आज तक, उनसे तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है, एंड इन अ गुड वे, बहुत ही पॉजिटिव वे में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इसके साथ। क्वालिटी यार इसकी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, सच में बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रीमियम लगी है। आज तक मैंने जितने भी पिलो इस्तेमाल किए हैं उनसे इसका बेस्ट क्वालिटी मुझे फील हुआ है, सीरियसली मैं बता रहा हूँ। आई जस्ट लव दिस गाइस, आई जस्ट लव दिस। एंड जो मेरा पर्सनल फेवरेट हाइट है वो है 4 इंचेस का। ये ना ज़्यादा ऊंचा है और ना ही ज़्यादा नीचा है, इस पर मैं आसानी से मतलब सो पाता हूँ किसी भी पोजिशन में। सो एक बात तो कहना चाहूँगा, इस पिलो का इस्तेमाल करके आप एक्सपीरियंस कर सकते हो अपने लाइफ का सबसे बेस्ट स्लीप। बाय द वे गाइस, ये तकिया काफ़ी ज़्यादा हगेबल भी है, मतलब अगर आप तकिए को पकड़ के सोते हो ना, इससे बेहतरीन नहीं मिलने वाला। सो अगर आपको एक ऐसा पिलो चाहिए जो कंफर्टेबल हो, सॉफ्ट हो, जो आपके स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करे, तो आप फ्रीडो के अल्टीमेट डीप स्लीप पिलो को बाय कर सकते हैं। तो अगर आपको बाय करना है फ्रीडो के अल्टीमेट डीप स्लीप पिलो को, तो मैं लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जा करके इजिली इस पिलो को बाय कर सकते हैं एंड अपने स्लीपिंग एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा कंफर्टेबल बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको क्या अच्छा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।